काबू नहीं रहा अब। बेवजह गुस्सा तुम्हारे डैडी या तुम पर है बड़ा। हार्मोन्स का असंतुलन तूफान ले आया। मेरे रवैये को कोई ना समझ पाया। 3 महीने से घर पे नहीं आई हो। अपने शहर में जॉब ढूंढने वाली थी, क्या हो गया उसका? रिजाइन किया है वैसे, नोटिस पीरियड पे हूं। राजेश, डैडी की कैसे याद आ गई? हाँ, जरूर कुछ भूल गई हो या फिर कुछ याद दिलाना है। क्यों? दिल के करीब जितनी बातें हैं उतने ही करीब आप हो, और यही मैंने जाना है। वैसे घर में सब कैसे चल रहा है? पूरब से निकलकर सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा है। जान नहीं पा रहा हूं घर में आखिर क्या चल रहा है। मैं समझती हूं, जरूर मां को आपसे कुछ कहना है। अपनी ही दुनिया में है वो, बंद कमरे में उसे शायद अकेले ही रहना है। इन्हीं किस्सों पर अपनी सोच का एक हिस्सा मुझे बयां करना है, जो बातें अब तक ना जान पाए उसे ही दिल लगाकर समझाना है। जानबूझकर नहीं हम सभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है वो, अपने ही घर की फिक्र में अपने आप से लड़ रही है वो। घूंघट के यार अपनी सच को छुपाए धीरे धीरे ढल रही है वो। दर्द में कहराती ठीक हो ये जताती, मगर हम दर्द की तलाश कर रही है वो। ऐसा छुप छुपाता इंसान कौन कैसे समझ पाएगा? वो अपना है ऐसे फिराक में हर गलतियों को बस माफ करता चला जाएगा। कितनी दफा उसके आंसुओं से नफरत करता जो, और उसके नफरत भरे गुस्से से मोहब्बत करता हो। जाने कैसे मैं घबरा गया। मेनोपॉज का असर है ये डैडी। स्त्री में हो रहे बदलाव की फिर से तैयारी। माँ उसी दौर से बहे जा रही है, सहारे की उम्मीद लगाए तकलीफ सहे जा रही है। वो टकराती है अपनी ही स्त्री अवतार से। उसे क्या हो रहा है, उसे क्या चाहिए, किसी को भनक तक नहीं होती उसके दीदार से। अब शोहर हो उसके, कोई बात छुपी नहीं है जिससे। साथ चलेंगे हर सुख दुख में शामिल, बुढ़ापे का सहारा हो उसके। उसकी नफरत को अभी भी प्यार से चाहना है डैडी। हम साथ हैं आपके, जाने कितनी भी मुश्किलें आए ये एहसास दिलाना है डैडी। थकी हुई हारी हुई अकेली आपकी बीवी
और मेरी माँ को मिलकर मनाना है डैडी।